वेलकम टू लर्निंग सीएमसी स्टूडेंट। तो आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में कि कंपाउंड एंगल जो होता है वो होता क्या है और उसका रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंपाउंड एंगल वो चीज़ क्या होता है और उसको हम कैसे डिराइव करते हैं। तो कंपाउंड एंगल जो चीज़ है, अब देखिए साइन, ये तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हो गया। ट्रिगोनोमेट्री रेशियो के बगल में अगर हम दो, कोई भी दो एंगल का समेशन या फिर सब्ट्रैक्शन लिख देते हैं तो ये बन जाता है हम लोगों का कंपाउंड एंगल। ठीक है, तो इसका तो फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, लेकिन आज हम इसका प्रूफ भी यहाँ पे देख लेंगे। तो ये मान लीजिए कुछ एंगल है, ये है हम लोगों का ए और ये वाला एंगल है हम लोगों का बी। तो बी जिस लाइन पे है, यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट हम लोग लेते हैं जिसको हम उसका नेमिंग करेंगे क्यू, और क्यू से सीधा एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ओ, ये कुछ भी एक्स वाई ऐसे ले लेते हैं इसको, ओ एक्स के ऊपर, और उसको नेमिंग करेंगे एम। ठीक है, उसी तरह क्यू से और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे कहाँ पे, इस लाइन पे। ठीक है, और उसको नेमिंग करेंगे P। तो ये भी हम लोगों का, मैं इस तरह का सिंबल कर देता हूँ, ये आपको 90 डिग्री पता चलेगा। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे जो P पॉइंट है, P पॉइंट से QM के ऊपर और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इसका नाम दे देते हैं H। तो ये भी एक 90 डिग्री बन गया। ठीक है, और क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, ये भी हम लोगों का 90 डिग्री बन गया। ठीक है, और इसको कर देते हैं L। अब एक काम करते हैं, A जो है इसको हम लोग ब्लू में लिख देते हैं। तो देखिए HP पैरेलल टू OX और ये उसका इंटरसेक्टर है, तो यहाँ पे A है तो ये वाला एंगल भी A होगा। मैं लिखूंगा नहीं वहाँ पे A क्योंकि जगह नहीं है, इसलिए ब्लू में डाल दिया हूँ। ब्लू ये A है, तो यहाँ पे जो आप ब्लू दिख रहे हो, देख रहे हो, ये भी ए है। ठीक है, तो उसके हिसाब से तो हम लोगों का ये पूरा पोर्शन इतना पूरा 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये भी पूरा 90 डिग्री आएगा। देखिए और एक बार मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, हम लोगों का ये है 90 डिग्री, तो जो बचा है ये भी 90 डिग्री आएगा। ठीक है, तो उस पूरा 90 डिग्री में से इतना पार्ट ए हो गया है, तो ये वाला पार्ट क्या होगा, 90 डिग्री माइनस ए, सही। फिर अब देखिए ट्राइंगल क्यू पी एच में, ये अगर 90 माइनस ए है, ये 90 है तो ये भी ए ही बनेगा, उसको हम लोगों ने ब्लू में मार्क कर दिया। ठीक है, नाउ साइन ए प्लस बी हम यहाँ पे निकालेंगे कितना आना चाहिए, साइन ए प्लस बी, ए प्लस बी पूरा ये वाला है। ठीक है, सही है, तो ए प्लस बी के लिए देखिए इन ट्राइंगल ओ क्यू एम, ये ट्राइंगल में लिख रहा हूँ ओ क्यू एम में, ए प्लस बी का मतलब क्या हो, साइन, साइन का सामने वाला जो है वो है क्यू एम, मतलब a प्लस बी के सामने है क्यू एम डिवाइडेड बाई क्यू एम ओ, और ओ क्यू एम जो ट्राइंगल है उसका हाइपोटेनियस, उसका हाइपोटेनियस क्या आएगा, 90 डिग्री के सामने में जो है ओ क्यू, ओ क्यू। अब जो क्यू एम है इसको मैं लिख सकता हूँ क्यू एम को क्यू एच प्लस एच एम डिवाइडेड बाई ओ क्यू, ओ क्यू। ओके, एच एम जो है हम लोगों का इक्वल है पी एल के साथ, तो मैंने क्या किया, एच एम के जगह पे लिख दिया पी एल। अब क्या करेंगे, ओ सॉरी क्यू एच बाई ओ क्यू है, इसमें मैंने क्या किया, बस इसी के साथ मैंने क्या किया, पी क्यू डिवाइड किया, पी क्यू मल्टीप्लाई किया। क्यों, ये थोड़ा वीडियो लंबा बन जाएगा इसलिए मैं फटाफट बता रहा हूँ आप लोगों को क्यों ऐसा किया। क्यू एच कहाँ पे है, आप लोग अभी ये जो डायग्राम है ये थोड़ा रफ बनने वाला है। देखिए ये कौन सा ट्राइंगल है, इसमें हम नीचे लिख देते हैं कौन सा ट्राइंगल, ये पी क्यू एच ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। देखिए पी Q
क्यू एच, ध्यान से देखिए, क्यू एच, क्यू एच बाई ओ क्यू था, ओ क्यू, कोई भी इन लोगों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो इसलिए मैंने क्या किया क्यू एच के साथ डिवाइड कर दिया इसका हाइपोटेनियस पी क्यू। तो साइमल्टेनियसली पी क्यू अगर डिवाइड हो रहा है तो पी क्यू मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो मैथमेटिक्स का यही बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ पे कुछ डिवाइड करके हम कुछ सेट कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली और एक पोर्शन जो होगा वो भी ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। तो देखिए अभी इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, ये वाला चीज, इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, ये हम लोगों का 90, ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है पूरा। तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या है, ओ क्यू, हाइपोटेनियस नीचे आ गया, देखो हाइपोटेनियस, और पी क्यू इधर है, तो ये हम लोगों का बी के सामना है, सामने वाला है पी क्यू डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस, मतलब ये जो है हम लोगों का ये बन गया हम लोगों का साइन बी। और ये क्या होगा, यहाँ पे देखते हैं, क्यू एच डिवाइडेड बाई पी क्यू, इस ये जो एंगल है इसके सामना है, सामने में इन फ्रंट ऑफ दिस क्यू एच है, तो इस एंगल का सामना मतलब सामने में ये है, तो ये हो गया इसका परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय, ये राइट एंगल है, राइट एंगल के सामने पी क्यू है, पी क्यू इधर देखो नीचे है, तो ये हो गया हम लोग का एच, और इसके सामने में ये वाला है तो ये हो गया उसका पी, तो ये एंगल है 90 माइनस ए, तो ये हो गया साइन 90 माइनस ए। अब देखिए ये हो गया हम लोगों का बी कैसे बना, पी क्यू बाई ओ ओ क्यू, पी क्यू कहाँ पर है, पी क्यू, पी क्यू डिवाइडेड बाई ओ क्यू, ओ क्यू ये है, ओ क्यू के सामने 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस बन गया, और ये हम लोगों का पी क्यू है, बी के सामने है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन बी, अगर देखूंगा इन ट्राइंगल जो लिखा था वहाँ पे हम लोगों ने इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, तो क्या साइन बी क्या होगा, पी क्यू डिवाइडेड बाई ओ क्यू बन गया साइन बी, ठीक है। और ये जो साइन 90 माइनस ए का वैल्यू कॉस ए आएगा, ठीक है, देखते हैं फिर ये वाला पार्ट पहले देख लेते हैं, पी एल ओ पी एल ट्राइंगल देखिए, ओ पी एल नीचे वाला ये ट्राइंगल देखिए, यहाँ पे क्या है पी एल डिवाइडेड बाई ओ पी, ये राइट एंगल, ये राइट एंगल है तो ये भी राइट एंगल होगा, इसके सामने वाला ओ पी है, तो मतलब ये बन गया ओ पी जो है ये बन गया हम लोगों का एच, और पी एल ए के सामने वाला पी एल है, मतलब ये साइन ए होगा, तो हम लोग क्या करेंगे पी एल बाई ओ पी के जगह पे हम लोग साइन ए लिख देंगे, फिर ट्राइंगल ओ पी क्यू, इसमें क्या है ओ पी डिवाइडेड बाई ओ क्यू, तो कॉस बी होगा, कॉस बी क्या होगा इस ट्राइंगल में, ओ पी क्यू में कॉस बी क्या होता, बी के सामने वाला ये वाला पी है, ये वाला स्मॉल बी बेस है, तो ओ पी डिवाइडेड बाई ओ क्यू मतलब कॉस बी। और ये जो किस तरह से हम लोग इसे बना रहे हैं, आप अगर ये जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में क्लिक कीजिए और पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। और आगे चलते हैं, अभी साइन 90 माइनस ए हो गया हम लोग का कॉस से, और फिर आ गया ये साइन बी है, प्लस ये है हो गया हम लोगों का साइन ए कॉस बी, ठीक है। तो ये साइन 90 माइनस ए इक्वल्स टू कॉस ए बना, ये कैसे बना ऊपर आई बटन में क्लिक करके पिछला वीडियो आप लोग देख सकते हैं। तो इसको थोड़ा हम अरेंज करके लिख दिए, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हम लोगों को पता चल गया। इस तरह आप कॉस का निकाल सकते हैं, टेन का भी निकाल सकते हैं, टेन का निकालने के लिए आप लोग काम कीजिए साइन का निकालने के बाद, कॉस तो आप लोगों को पता है निकाल देंगे, साइन बाय कॉस करेंगे तो ये टेन का चला आएगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहा, और माइनस में भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं इन सब का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये रहा आपका फॉर्मूला साइन ए प्लस बी, फिर जो हम लोग प्रूफ करके रखे हैं, फिर साइन ए माइनस बी का है, फिर कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी टेन ए माइनस बी, कॉट ए प्लस बी कॉट ए माइनस बी, ये सब सारे के सारे फॉर्मूला रहेगा कंपाउंड एंगल के। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कुछ भी अगर डाउट हो तो हमें पिंग कीजिए, मेल कीजिए हमें youarewithcmc@gmail.com में। और थैंक यू वंस अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग लर्निंग सी एम सी।